हाय, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एक पॉपुलर बुक जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक के ऑथर मॉर्गन हाउजेल हैं, जो कोलैबोरेटिव फंड नाम की एक वेंचर कैपिटल फर्म में पार्टनर हैं। इसके अलावा मॉर्गन हाउजेल द मोटली फूल और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के फॉर्मर कॉलमनिस्ट भी रह चुके हैं। ये बुक 2020 में पब्लिश हुई थी। ये बुक इस बात पे फोकस करती है कि हम फंडामेंटली पैसे को लेके कैसे सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। इस बुक से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है और आज के इस वीडियो में हम आपको इस बुक की टॉप 5 लर्निंग्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली लर्निंग ये है कि वेल्थ क्रिएट करने से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। वेल्दी तो बहुत लोग बन जाते हैं, बट फिर वो जल्दी अपना सारा पैसा गवा भी देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। इसलिए अपनी वेल्थ को कंसिस्टेंटली प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि गुड इन्वेस्टिंग का मतलब होता है सही डिसीजंस लेना, लेकिन मॉर्गन हाउजेल के अकॉर्डिंग अच्छे से इन्वेस्ट करने का मतलब है बैड डिसीजंस को अवॉइड करना। हम मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए रिस्क उठाना जरूरी है, लेकिन उस पैसे को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही होती है। इसलिए हमें हमेशा मॉडेस्ट रहना चाहिए और वेल्थ क्रिएट करने के साथ कैपिटल प्रोटेक्शन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। दूसरी लर्निंग ये है कि पैसे को हमें फ्रीडम पाने के लिए यूज करना चाहिए। वेल्थ एक अच्छी जॉब, बड़े घर और लग्जरी घर से कहीं ज्यादा हमारे पास टाइम को बाय करने के लिए काम आना चाहिए। आप सही मायने में वेल्दी तभी होंगे जब आप अपने पैसों को यूज करके अपने टाइम और लाइफ को कंट्रोल कर सकें। जब आपके पास ये एबिलिटी होगी कि आप जब चाहें, जो चाहें और जितनी देर तक चाहें वो कर सकें, तभी आप सही मायने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। तीसरी लर्निंग ये है कि एक्चुअल वेल्थ वो नहीं है जो दिखती है, बल्कि वो है जो कि हमें नहीं दिखती। वेल्दी बनने में और रिच बनने में यही फर्क है कि रिच लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो लग्जरी कार्स और एक्सपेंसिव घर खरीदते हैं, फिर चाहे वो उन्होंने डेट लेके ही क्यों ना खरीदे हों। सोसाइटी में लोग आपकी वेल्थ को आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी से जज करते हैं, लेकिन सही मायने में जो लोग वेल्दी होते हैं वो अपनी इनकम का ज्यादातर परसेंटेज स्पेंड नहीं करते। उनकी एक्चुअल वेल्थ एसेट्स के फॉर्म में होती है, जैसे कि स्टॉक्स, रेंटल इनकम। वेल्दी लोग अपने पैसों की यूज को खुद की ग्रोथ में करते हैं और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देने में यूज करते हैं। चौथी लर्निंग ये है कि हमें सरप्राइजेस और अननोन इवेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें लाइफ में रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए प्लान भी करना चाहिए। इसके लिए हमें दो चीजों के बीच में फर्क समझना होगा, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। अक्सर हम सारे डिसीजंस ये सोच कर लेते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, और ये नहीं सोचते कि क्या हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हम उस सिचुएशन को फेस कैसे कर पाएंगे। इसकी मेन वजह ये है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये हमें पता होना चाहिए। हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, और इसलिए हमें अनसर्टेन इवेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पांचवी और लास्ट लर्निंग ये है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया हैंडल्स वैसे तो फ्री हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो पैसों की जगह आपसे आपका टाइम और डेटा डिमांड कर रहे हैं। इसलिए हर चीज की एक प्राइस होती है। जरूरी ये है कि हमें वो प्राइस क्या है पता होना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि क्या हम वो पे कर पाएंगे, क्या हम वो पे करना चाहते हैं या नहीं। सिमिलरली, अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो हमें वहां भी एक प्राइस पे करना होता है जिसको आप डॉलर्स या रुपीज में नहीं नाप सकते, बल्कि इन्वेस्टिंग का असली प्राइस है फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी, ग्रीड और रिग्रेट जैसे इमोशनल और मेंटल स्टेट से डील करना। मॉर्गन हाउजेल के अकॉर्डिंग हमें मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने की जगह उसे एक फी या एक कॉस्ट की तरह समझना चाहिए जो कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए पे करना पड़ेगा। जब तक हम इन्वेस्टिंग के इमोशन से डील करके रैशनली इन्वेस्ट करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम एक अच्छा इन्वेस्टर कभी नहीं बन पाएंगे। तो ये थे हमारे अकॉर्डिंग द साइकोलॉजी ऑफ मनी के टॉप 5 लर्निंग्स। आपको इनमें से कौन सी लर्निंग सबसे ज्यादा पसंद आई, या फिर अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको इस बुक के बारे में क्या अच्छा लगा, ये हमें कॉमेंट्स में बताइए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges. हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे मॉर्गन हौसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी आपसे शेयर करूंगा, जिसमें आप सीखेंगे कि पैसे का इज्जत कैसे करें, अमीर कैसे बने रहें और अपने पास जो भी है उसी में कैसे खुश रहें और हम्बल बने रहें। वैसे तो अमीर बनने के अनेकों रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने का एक ही उपाय है और वो है अपने पैसे की वैल्यू को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, डोंट वेस्ट मनी। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था जिसने अपने यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना ली थी, लेकिन वह पैसे की कदर नहीं करता था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता और अपने अमीर होने का दिखावा करता। एक दिन वह अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गेम खेलता है कि कौन सोने के सिक्के को कितना दूर फेंक पाता है। पैसे के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंकक्रप्ट बना देता है। ऑथर अपने बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं। रोनाल्ड जेंस नाम का एक साधारण सा व्यक्ति था जिसने 25 वर्षों तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 ईयर बाद हुई तो उसके चर्चे देश विदेश के न्यूज चैनल और अखबारों में होने लगी, क्योंकि मरते समय उसके पास 58 करोड़ की संपत्ति थी। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया। अब ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसे को अर्न करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को खर्च कैसे करते हैं, पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहाँ एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंकक्रप्ट हो गया, वहीं एक सफाई कर्मी जो अनपढ़ होने के बावजूद पैसे के प्रति अपने बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। नेक्स्ट, कोई भी मूर्ख नहीं है। आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। यह काम ज्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, और ऐसे लोग इमरजेंसी में 20-25 हजार रुपए भी अरेंज नहीं कर पाते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसे को इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वो लोग नहीं करते हैं। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाता है, हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियां और बड़े घरों के बारे में सोचना ये सब हमारी पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं। ऑथर इस कहानी के जरिए लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल शीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूं वो आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या यह भी हो सकता है जो फैसले आप ले वो मुझे मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण कैसे रखते हैं, हम अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट, भाग्य और जोखिम। भाग्य और जोखिम के बारे में ऑथर का कहना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई है। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर भी निर्भर करता है, जिसमें जोखिम भी शामिल होता है। आइए इसे हम एक स्टोरी से समझते हैं। 1968 में जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वो जिस लेक साइड स्कूल में पढ़ा करते थे उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त केंट इवांस के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वह मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं लेकिन उसमें मरता कोई एक ही है। इस प्रकार से लेखक भाग्य और जोखिम को समझाते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि बिल गेट्स के सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ है।
हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि एफर्ट, हार्ड वर्क, डिसीजन और सही मार्गदर्शन पर काम करना। नेक्स्ट, कभी भी पर्याप्त नहीं। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में मैकेंजी के सीईओ बने। उनके पास 2008 के दौरान कुल 100 मिलियन डॉलर थे, जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए ही 2 घंटे में 1 लाख रुपया कमा सकते थे। लेकिन वो इतने पैसे से संतुष्ट नहीं थे, वो करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे और इसी लालच में उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। वह बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट्स जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते ही नहीं, लेकिन ऐसा ना करके पैसे से ज्यादा अपने परिवार और सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज्यादा पैसे का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, ओडी है, तो मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसा ना करें। नेक्स्ट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय में उनकी नेटवर्थ 86.5 बिलियन डॉलर है। इसमें से उन्होंने 81.5 बिलियन डॉलर रिटायरमेंट यानी कि 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा की। इसमें कोई संदेह नहीं, आज के समय में वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर हैं। लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसे बनाने के लिए कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। जहां एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वही वॉरेन बफेट उस समय 9.3 मिलियन डॉलर के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर ये कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन छोटी उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना था, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू रखा। दोस्तों, ये थी साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कई बार हम ये सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे होने पर भी हमेशा एक मीडियोकर की लाइफ ही जीते रह जाते हैं, और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में मिलियनेयर बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस वक्त पैसों को लेकर जो आप डिसीजन ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेंगे। तो क्यों ना अभी से पैसों की साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से इसका एडवांटेज लिया जाए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से परखती है। ये कई सब्जेक्ट पर एक फ्रेश नजरिया देती है, जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की बुक फोकस करती हैं ऐसी चीजों पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सेल किए जाएं या पोर्टफोलियो बनाया जाए। हाउसल लोगों और पैसों के बीच के रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, इस पर पकड़ बनाने के लिए कि क्यों लोग खुद को कर्ज के बोझ तले दबा लेते हैं। आपको इंटरेस्ट रेट जानने की जरूरत नहीं है, आपको लालच को, असुरक्षा को, पॉजिटिविटी को स्टडी करने की जरूरत है। अच्छा पैसा होने का आपके स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना है, लेकिन ज्यादा इस चीज से लेना देना है कि किस तरह आप बिहेव करते हैं। सही चीजों में एंगेज करें और चांस है कि आप सक्सीड कर जाएंगे। इसी तरह से चाहे आप में कितनी भी इंटेलिजेंस, समझ या अंदर की खबर हो, यह आपको गलत बिहेवियर से उपजे रिजल्ट से नहीं बचा सकती है। बुक का हर चैप्टर एक इंसान के पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स अच्छे नतीजे की गारंटी होते हैं, जबकि दूसरे बिहेवियर्स फेलियर की। इस बुक में मनी से जुड़े बहुत सारे लेसन पर बात की गई है। कुछ लेसन हमारे कुछ निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं, दूसरे लेसन हमें लाभकारी आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन लेसन की खूबसूरती ये है कि इन्हें कोई भी कर सकता है। ये सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए या बहुत बड़ी एजुकेशनल डिग्री वालों के लिए नहीं है। ये बुक आपका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने का काम करेगी। ये मुश्किल नहीं है। ऑथर हमको अश्योर करते हैं, पैसा बनाने के लिए सिर्फ अनुशासन, सब्र और कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर की जरूरत होती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। तो चलिए फिर इस बुक के 12 इंपॉर्टेंट लेसन को डिटेल में समझते हैं।
नो वन इज क्रेजी। हर एक की अलग सोच होती है कि किस तरह दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया कई हालातों, वैल्यूज और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। आपका अपने पैसों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना देना 0.00000001% है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को रोक नहीं सकती है, चाहे आप कितना भी पढ़ लें या ओपन माइंडेड हो जाएं। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इसको एक पतले से रेशे के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए हैं। US में लॉटरी खरीदने वालों पर गौर करें। लो इनकम वाले लोग सालाना इस पर $400 तक खर्च करते हैं, यानी कि लगभग ₹30,000। ये नंबर हायर इनकम वालों को भी चौंका सकता है। इसे पैसों की एक उम्मीद और ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं। बिना खुद को उनकी जगह पर रखे ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लक एंड रिस्क। कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन लक और रिस्क भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े हैं जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर टीचर बिल डगॉल की कोशिश नहीं होती जिन्होंने उस टाइम पर एक $3,000 का कंप्यूटर खरीदा, तो इसकी संभावना कम है कि बिल गेट्स को सेम करियर में सक्सेस मिलती। बिल गेट्स खुद ये चीज मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक साइड में 3 बहुत बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट्स थे जो आपस में दोस्त भी थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट एवांस। केंट एवांस को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनके ग्रेजुएशन से पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसे एक बैड लक के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। किस्मत और जोखिम लेना, ये दोनों वो रियलिटी हैं जो हर एक की लाइफ में उसके खुद के एफर्ट के अलावा भी उसके आउटकम पर असर डालती हैं। ये दोनों चीजें होती हैं क्योंकि सिर्फ आपके एफर्ट्स के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसका भी आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। नेवर इनफ। ये कहानी है राइटर कर्ट और जोसेफ की जो एक बिलियनर की पार्टी में शामिल होते हैं। कर्ट ने कहा कि ये बिलियनर एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हेलर अपने पॉपुलर नॉवल से आज तक कमा नहीं पाए हैं। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। वह है एनफ, यानी कि बहुत। जो आपके पास है उसे खतरे में डालने की कोई वजह नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करने दें। खुद को दूसरों से तुलना करना ही गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती है। आपको इस सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई मिल ही जाएगा। इनफ होने का मतलब है आपको ये पता हो कि किस चीज को अवॉइड किया जाए जिसके लिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। कई चीजें रिस्क लेने लायक नहीं होती हैं, चाहे उनसे कितना ही फायदा क्यों ना हो, जैसे कि रेपुटेशन, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी। जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही ना बने। कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे के पैसों के पीछे एक सिंपल सा फैक्ट है। वो सिर्फ एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, वो कंसिस्टेंट 75 सालों तक एक अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं। इनके फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में बांधा जा सकता है जो उन्होंने अपने शुरुआती सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबे समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है टाइम। अच्छे इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न के बारे में नहीं होती, ये उन अच्छे रिटर्न के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रह सकें और लंबे समय तक इसे दोहरा सकें। और यहां पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं और इनके लिए बिल्कुल अलग माइंडसेट और स्ट्रेटजीज चाहिए। पैसा पाने के लिए रिस्क लेने की जरूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें झोंक देने की। पैसा बनाए रखने के लिए जरूरत होती है ठीक इसके उल्टे की। इसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि जो आपने कमाया है वो बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। माइकल मोंटिस, जो कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, कहते हैं, हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले रिवॉर्ड्स पर रेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हम ये मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सक्सेस आने वाले कल की सक्सेस में तब्दील हो जाएगी। एक सर्वाइवल माइंड होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाएं, इतने कैपेबल बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सकें और गेम में लंबे समय तक बने रह सकें, ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। प्लान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी प्लान आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। हर प्लान में गलती के लिए जगह रह जाती है। जितना आपको अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक खास एलिमेंट की जरूरत होगी, उतना कमजोर आपका प्लान होगा।
आने वाले कल को लेकर आशावादी रहें, पर सक्सेस के रास्ते में आने वाली बाधाओं को लेकर भी सचेत रहें। टेल्स यू विन, ये कार्ड कलेक्टर हेंस ब्रिगेन की स्टोरी है। उन्होंने पिकासो, बर्गर्स, क्लीस और मेट्रेसेस की एक अमेजिंग कलेक्शन इकट्ठा की। लोग उसके आर्ट में इन्वेस्ट करने की कला से भौचक्के रह जाते थे। सच्चाई ये थी कि उसने बहुत ज्यादा संख्या में आर्ट खरीद लिए थे। उसके कलेक्शन का कुछ ही हिस्सा वैल्यूबल था। ब्रिगेन कई बार गलत भी हो सकते थे, फिर भी आखिर में वो सही निकलते थे। कोई भी चीज जो विशाल हो, प्रॉफिटेबल हो, फेमस हो और इन्फ्लुएंशियल हो, वो एक टेल इवेंट का नतीजा होती है, हजारों या लाखों में एक इवेंट की तरह। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 80% फेलियर का अंदाजा लगा रहे होते हैं, कुछ परसेंट अच्छा परफॉर्म करने का और 1-2% अच्छे रिटर्न्स का। अगर स्टॉक मार्केट में विनर्स और लूजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करें तो ज्यादातर पब्लिक कंपनीज फेल हो जाती हैं, कुछ ही ठीक ठाक कर पाती हैं और कुछ होती हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाती हैं। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि टेल ही बिजनेस इन्वेस्टिंग और फाइनेंस में हर चीज को चलाती है, तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत जाएंगी, टूटेंगी, फेल भी होंगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। वेल्थ वो फाइनेंशियल एसेट है जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं की गई है। हाउजल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो मिलियनेयर बनना चाहते हैं, इसका असली में मतलब ये है कि वो $1 million खर्च करना चाहते हैं। $1 million खर्च करना मिलियनेयर बनने का बिल्कुल उल्टा है। वेल्दी और रिच के बीच में डिफरेंस ये है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और फैंसी कार चलाते हैं वो रिच हैं, बड़ी इनकम वाले लोग रिच हैं, वो इस चीज को दिखाते हैं कि वो रिच हैं। वेल्थ छुपी हुई होती है। वेल्थ वो इनकम है जिसे सेव किया जाता है, ना कि खर्च। वेल्थ का होना है ऑप्शन का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना और ग्रोथ का होना। वेल्थ का मतलब है वो खरीदने में कैपेबल होना जिसकी आपको जरूरत है। सेव मनी। एक सर्टेन इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो सेविंग करते हैं, दूसरे जो सोचते ही नहीं है कि वो पैसा बचा सकते हैं, तीसरे वो जिनको नहीं लगता कि उनको पैसा बचाने की जरूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या सोचते हैं और फील करते हैं इसके बारे में चिंता ना करें। अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल होना और ऑप्शंस होना दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। रीजनेबल, रैशनल एंड रूम फॉर एरर। फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय बिल्कुल ठंडे होकर ना रहें, रीजनेबल होने का लक्ष्य रखें। रीजनेबल होना ज्यादा रियलिस्टिक है और इसके साथ लंबे समय तक बने रहने की जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। पैसा बनाने के चांसेस टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं। स्कॉट सैगन, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कहते हैं चीजें जो पहले कभी नहीं हुई हैं वो पूरे टाइम होती रहती हैं। याद रखें, बीते कल की परफॉर्मेंस आने वाले कल की परफॉर्मेंस का इंडिकेटर नहीं होती है। ब्लैक जैक या पोकर के प्लेयर को पता होता है कि वो संभावना के साथ खेल रहे हैं, निश्चितताओं के साथ नहीं। सबसे बेहतर प्लान ये है कि उन चीजों के लिए प्लान किया जाए जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती हों। आप इसको गलती के लिए जगह होना भी कह सकते हैं। ये इकलौता तरीका है सुरक्षित रूप से ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो कि ऑड से चलती है, ना कि सर्टेनिटी से। ऐसी चीज के लिए प्रिपेयर होना या एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है जिसे आप देख नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड करके फेलियर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ये होता है कि आप अपने खर्च और जरूरतों के लिए सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी सेविंग के। रेनी डे फंड्स एक अच्छा आइडिया है उन चीजों के लिए पैसा बचाएं जिन्हें आप एंटिसिपेट या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यू विल चेंज। हम खुद के फ्यूचर सेल्फ के एक बहुत बुरे प्रेडिक्टर होते हैं। हमारी अभी की नीड्स वॉन्ट्स वो नहीं होती हैं जो हमारे फ्यूचर सेल्फ की नीड्स या वॉन्ट्स होंगी। लॉन्ग टर्म के लिए सोच पाना और इफेक्टिवली डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि एक इंसान चेंज होने के लिए ही बना है। आज जो आपके लिए मायने रखता है, हो सकता है आने वाले 10 सालों में उसका कोई मतलब ही ना रहे। संक कॉस्ट, बीते हुए कल के बुरे डिसीजंस को आगे बढ़ाते जाना जबकि नुकसान की भरपाई होना पॉसिबल नहीं है। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये एक डेविल का काम करता है। ये हमारे भविष्य को हमारे पास्ट का गुलाम बना देता है। ये उस अजनबी की तरह है जो आपकी लाइफ के बड़े डिसीजन लेता है। जैसा कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बुरी तरह फेल हो गए, अब आप इसको कंटिन्यू रखने का सोचते हैं क्योंकि आप बहुत पैसा लगा चुके हो, बिना ये सोचे कि आगे भी चलकर ये जरूरी नहीं कि आप पैसा बना लोगे। जो चला गया वो संक कॉस्ट है। जरूरी ये है कि हम होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं। पैसों के साथ जुड़ी कई चीजों के लिए ये जानना है कि उसकी कीमत क्या है और उसको चुकाने के लिए तैयार रहना। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग एक कीमत मांगती है, लेकिन इसकी करेंसी डॉलर या सेंट में नहीं होती। ये होती है अस्थिरता, डर, शंका, अनिश्चितता और पछतावा।
इन सारी चीजों को अनदेखा करना आसान है जब तक कि हम रियल में इन्हें फेस नहीं कर लेते। बहुत कम लोगों में ये कहने का स्वभाव होता है कि ठीक है, अगर मैं अपना 20% पैसा गवा भी देता हूँ, तब अगर आप अस्थिरता को एक फीस की तरह देखने लगते हैं तो चीजें अलग दिखती हैं। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। द सिलेक्शन ऑफ पेसिमिज्म, नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा कॉमन नहीं है, ये उससे ज्यादा स्मार्ट भी लगती है। ये आपको बुद्धिमत्ता के तौर पर बंदी बना लेती है और हम इस पर पॉजिटिविटी से ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी को ये बताएं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो या तो वो आपसे दूर निकल जाएंगे या आपको उलझन भरी निगाह से देखेंगे। किसी को ये बताएं कि उन पर खतरा है और आपको उनकी पूरी अटेंशन मिलेगी। डैनियल कैनेमैन कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस के पावर के बीच की असमानता की एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ऑर्गेनाइजेशन खतरों को अपॉर्चुनिटी से ज्यादा अर्जेंट मानकर काम करते हैं और उनके सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ईयर 2000 में जब ऑयल के प्राइस बढ़े, कुछ खास तरह के ऑयल निकालना इकोनॉमिकली पॉसिबल हो सका। आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है और मानवता अनंत रूप से इनोवेटिव है। लोग बाधा और प्रॉब्लम्स को नए सॉल्यूशन के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। खतरों के साथ सेम मैग्नीट्यूड के सॉल्यूशन भी आते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री का ये कॉमन प्लॉट है जिसे अक्सर नेगेटिव थिंकर द्वारा भुला दिया जाता है। प्रोग्रेस धीमी होती है लेकिन सेटबैक और डिजास्टर जल्दी और ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। बहुत सारी ओवरनाइट ट्रीटीज होती हैं लेकिन शायद ही कभी ओवरनाइट मिरेकल होते हैं। ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से जो कि हमेशा वक्त लेती है। डिस्ट्रैक्शन होते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से जो कि कुछ सेकंड में हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस लूज होना वो भी एक झटके में हो जाता है। कन्फेशंस, इस चैप्टर में ऑथर अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और बिलीफ को हाईलाइट करते हैं। हाउसल के फाइनेंशियल डिसीजन की एक ही ड्राइव है, इंडिपेंडेंस। वो कम खर्च वाली एक्टिविटीज में प्लेजर खोजते हैं जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट और लर्निंग। उनके पास लोन के पैसे से लिया हुआ घर नहीं है। वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन हो, पर ये एक अच्छा मनी डिसीजन है क्योंकि इसमें कम से कम मन की शांति तो है। वो अपने 20% एसेट कैश में रखते हैं जिसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है। वो एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए और इमरजेंसी में अपने स्टॉक बेचने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। चार्ली मंगर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम ये कहता है कि इसमें बिना वजह रोक टोक ना करें। हाउसल अब किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। हाउसल ने सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में कर रखे हैं। कुछ लोग एवरेज मार्केट को आउट परफॉर्म कर देते हैं, ये बहुत मुश्किल है और जो ज्यादातर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। हर इन्वेस्टर को वो स्ट्रेटेजी चूज करनी चाहिए जिसमें उनके गोल पाने के सबसे ज्यादा चांसेस हों। ज्यादातर इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देकर जाता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।